नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो देख रहे मेरे सब दोस्तों के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्या आपकी कॉफी में गोबर तो नहीं? मिलावट में देश में राजस्थान प्रदेश में जयपुर नंबर वन पर, हर चौथा सैंपल फेल। आपने एक ऐड सुना होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? लेकिन आपसे पूछा जाए कि क्या आपकी चाय में गोबर है? क्या आपकी कॉफी में बादाम के जलाए हुए छिलके हैं? आपके घी में वनस्पति तेल तो नहीं? ये सवाल आपको भले ही अटपटे लगे होंगे, लेकिन ये चिंता बढ़ने वाला कड़वा सच है। ये सच सामने आया है हाल ही में खाद्य सुरक्षा की ओर से जारी किए आंकड़ों में। मिलावट में देश में राजस्थान और प्रदेश में जयपुर नंबर वन पर है। दुनिया के बड़े देशों में सैंपल फेल होने का आंकड़ा 17% है, भारत में यह आंकड़ा 22% है, वहीं राजस्थान में 27%, जयपुर में 30% सैंपल फेल हो गए। अभी वो आंकड़े तो सामने ही नहीं आए जो छोटे मोटे शहरों में मिलावट हो रही है, जहां अधिकारी पैसे खाकर काम चला देते हैं। मिलावट का खेल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 8 महीने में मिलावट खोरों पर 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की पलंटी लगाई जा चुकी है। खाद्य सुरक्षा निर्देशालय के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा का कहना है कि विभाग के साथ आमजन के लिए भी यह खतरे की घंटी है। लाल मिर्च पाउडर में डंडल मिले हुए थे, चटनी को चटक और फ्रेश दिखाने के लिए उसमें रंगों का इस्तेमाल किया गया था। गेहूं के चोकर को रंग कर धनिया जैसे मसालों में इस्तेमाल किया गया। कचौरी समोसे तलने के लिए एक ही तेल का कई बार इस्तेमाल किया गया। राजस्थान में पिछले दिनों हुई बड़ी कार्रवाई, जयपुर के डी मार्ट में मिला 2 अलग ब्रांड का नकली घी। त्रिमूर्ति सर्किल में स्थित एक 5-स्टार होटल के फ्रिज में मिला 1.25 महीने पुराना मांस। आइए जानते हैं मिलावट के तरीके। चाय कॉफी में सूखा गोबर, आइसक्रीम में नुकसान पहुंचाने वाला रंग, दूध में पानी सपरेटा वाला दूध मिलाया जाता है, क्रीम निकालकर मक्खन में अरारोट एवं मैदा मिला दिया जाता है, आइसक्रीम में बनावटी मिठास और नुकसान पहुंचाने वाले रंग मिला दिए जाते हैं, घी में वनस्पति तेल, सरसों के तेल में सत्यानाशी का तेल, खनिज तेल या अन्य सस्ता तेल मिला दिया जाता है, मिठाइयों में सोपस्टोन नुकसान देने वाला रंग, सैक्रिन एल्यूमिनियम का वर्क, सोडा वाटर में सैक्रिन प्रतिबंधित कोलतार के रंग और गंदा पानी, चाय और कॉफी में पहले इस्तेमाल की हुई चाय की पत्तियां, सूखा गोबर, बादाम के जलाए हुए छिलके, सब्जियों और फल में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है, सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब मिलावटें हैं जो आपने देखी। इतनी मिलावट राजस्थान में मुख्य शहरों में देखी गई है। आगे दिवाली का त्यौहार है, हर चीज़ में मिलावट होगी, इसीलिए आप सब दोस्तों से निवेदन है कि सतर्क रहें। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर, न्यूज, घटना, स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलता हूँ आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।